गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? रोमा खरे हियर अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर द लिटिल गर्ल फ्रॉम द बुक बी हाइव। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द लिटिल गर्ल वॉज रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड। तो नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉरी नेम ऑफ द राइटर इज कैथरीन मैंसफील्ड। दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम्ड कीजिया। एक बच्ची है जिसका नाम है कीजिया, इसके बारे में है पूरी स्टोरी। हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड मदर के साथ रहती है। हाउ एवर शी वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हर फादर। ये एक ऐसी बच्ची है जो अपने डैड से बहुत डरती है। एंड अवॉइडेड हिम एज मच एज शी कुड। और जितना हो सके ना वो अवॉइड करती है कि डैड का सामना ना करना पड़े। She took a great sigh of relief whenever he left for work. तो जब वो काम पर जाते थे ना, काम करने के लिए घर से निकलते थे, तब वो relief feel करती थी। उसको लगता था कि thank God पापा ऑफिस गए तो अब like she can you know play whatever she wants to. She trembled with fear. वो डर से कांपने लगती थी whenever she confronted him, अगर वो उसके सामने भी आ जाते थे तो। She would mumble in terror. वो डर के मारे अक्सर हकलाने लगती थी whenever she was near him, अगर वो अपने डैड के आसपास होती थी। According to her, her father was a rude and harsh person. उसे लगता था कि उसके डैड बहुत रूड है और एक हार्श पर्सन है। She would try hard not to confront him whenever he was at home. वो पूरी कोशिश करती थी, she would try hard not to confront him, कि उनका सामना ना करना पड़े whenever he was at home, अगर वो घर पर होंगे तो। Kezia's grandmother would always tell her to understand her parents in a better way. अब यहाँ पर उसको help करती थी उसके दादी। उसके grandmother हमेशा कोशिश करते थे कि वो अपने parents को ना थोड़ा सा better way में समझने की कोशिश करे। She would often encourage the little girl to chat with her parents in the drawing room. वो ये भी कोशिश करती थी कि जब वो ड्राइंग रूम में हो तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करे। द यंग गर्ल ऑलवेज रिसीव्ड अ कोल्ड ट्रीटमेंट। लेकिन उसको ना एक जो ट्रीटमेंट मिलता था, आई मीन जब वो उनके सामने बातचीत करने जाती थी, द वे दे यूज टू ट्रीट हर, इट वॉज़ वेरी कोल्ड। उसको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता था तो उससे कभी अच्छा नहीं लगा। वन डे हर ग्रैंड मदर एडवाइज्ड कीज़िया दैट शी शुड मेक अ पिन कुशन as a gift for her father's birthday that was coming the following week. तो यहाँ पर उनकी ग्रैंड मॉम ने कहा कि कीज़िया तुम एक काम करो, आपके डैड का बर्थडे आने वाला है यू नो नेक्स्ट वीक में, तो क्यों ना एक कुशन बनाओ उनको गिफ्ट देने के लिए। सो उनकी जो ग्रैंड मदर है ना, वो बहुत कोशिश करती है कि किसी भी तरह से कीज़िया के मन में अपने पेरेंट्स के लिए जो लव है, जो अफेक्शन फीलिंग है, वो चीज़ उसके मन में भी आए। कीज़िया स्टिच्ड थ्री साइड्स ऑफ द कुशन लेबोरियसली। अब इस बच्ची ने बहुत मेहनत की, उसने एक कुशन बनाया, उसकी तीन साइड्स तो बहुत अच्छे से उसने स्टिच कर ली। एंड केप्ट वन साइड ओपन टू स्टफ द केस। और एक साइड से अभी वो ओपन था ताकि वो उसके अंदर चीज़ें भर सके, चीज़ें आई मीन उसके अंदर जो कॉटन या कुछ चीज़ भरनी है, सो दैट यू नो इट शुड लुक फ्लफी। शी वॉन्डर्ड वॉट शी शुड शी कुड स्टफ इट विद। अब वो कुछ ढूंढ रही थी जो उसके अंदर वो स्टफ़ कर सके। एंड वेंडर्ड इन टू हर मदर्स बेडरूम। तब वो चलती हुई अपनी मॉम के यू नो बेडरूम में पहुंची टू सर्च फॉर सम स्क्रैप्स, ढूंढने के लिए कुछ स्क्रैप या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसके अंदर फिलअप कर सके, भर सके। देयर शी फाउंड न्यूमरस शीट्स ऑफ फाइन पेपर। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी शीट्स रखी है, अच्छे पेपर्स की रखी है। एक्यूमुलेटेड देम, उसने सबको इकट्ठा किया। Tore them into small pieces, छोटे छोटे टुकड़े किए and stuffed the pin cushion case, और अपने जो cushion है उसके अंदर भर दिए। Then finally sewed the four sides, और finally उसने जो उसकी चारों sides थी यानी जो हाँ और finally जो उसकी fourth side बची थी उसको भी stitch कर दिया। Those papers were actually her father's great speech for the port authority. अब वो जो papers थे वो बहुत important papers थे, उनके डैड ने एक स्पीच प्रिपेयर की थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए। व्हेन कीज़ियाज़ मदर केम टू नो दैट द लिटिल गर्ल हैड टोर्न दोज शीट्स ऑफ पेपर, शी कॉल्ड हर डॉटर टू द ड्राइंग रूम इमीडिएटली। तो जैसे उनकी मॉम को रियलाइज़ हुआ कि कीज़िया ने कुछ गड़बड़ की है, उन्होंने फटाफट से कीज़िया को आवाज़ दी, बुलाया। हर फादर वॉज एंग्री विद हर, उसके डैड बहुत गुस्सा थे।
एंड ही डिडंट इवन लिसन टू द रीज़न, उन्होंने रीज़न भी नहीं पूछा वाई शी टोर द शीट्स ऑफ पेपर, कि उसने पेपर्स जो थे उन्हें क्यों फाड़ा. ही सिंपली पनिश्ड हर विद अ रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, उसके छोटी छोटी हथेलियों पे उसको मारा, उसको यू नो एक रूलर से उसको मारा. कीजिया सोब्ड मिजरेबली, वो बच्ची बहुत ज़्यादा रोई बट फेल्स टू अंडरस्टैंड वाई शी वॉज पनिश्ड फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, और वो ये समझ ही नहीं पाई कि उसने तो सच कहा. उसके पेरेंट्स ने पूछा था कि तुमने पेपर्स फाड़े हैं, तो उसने कहा यस मैंने फाड़े हैं, तो उसको लगा कि मैंने तो सच बोला, मुझे क्यों पनिश किया गया, तो उसको तो समझ ही नहीं आया, इसलिए वो बहुत रोती है. शी वॉज पनिश्ड फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ एंड एक्सेप्टिंग द ब्लंडर दैट शी कमिटेड, और उसने तो सिर्फ अपना जो भी बात थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए उसको तो लगा कि उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए. She felt miserable and silently wept and questioned the purpose of God in creating fathers. She felt miserable. इसका मतलब हुआ उसको बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट उसको पहुँचा. And silently wept, और वो चुपचाप रोती रही. And questioned, और question करती रही. क्या question करती रही? The purpose of God in creating fathers. कि हे भगवान आपने fathers क्यों बनाए हैं. Later in the evening, इवनिंग में क्या होता है, शी सॉ मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन एंड हैविंग अ मेरी टाइम विद देम. इवनिंग में वो देखती है कि उसके नेबर में मिस्टर मैकडोनल्ड है जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं एंड हैविंग अ मेरी टाइम विद देम, और वो उनके साथ बहुत खुश है. फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद शी एनालाइज्ड, तो वो एनालाइज करती है दैट ऑल फादर्स डू नॉट हैव द सेम बिहेवियर, कि हर यू नो जो डैड होते हैं ना, सभी पापा एक जैसे नहीं होते हैं. हु आर काइंड एंड लविंग, तो कुछ ऐसे डैड्स भी होते हैं जो बहुत काइंड होते हैं, बहुत लविंग होते हैं. वेयर एज देर आर सम हु आर रूड एंड हार्श लाइक हर फादर, कुछ फादर्स उसके फादर जैसे भी होते हैं जो रूड होते हैं और हार्श होते हैं. इस चीज़ से उसको बहुत दुख पहुँचा था, बट फिर उसको लगा कि सब डैड एक जैसे नहीं होते. However, Kezia's demeanor towards her father transformed soon. लेकिन उसका जो ये behavior था या उसका जो मन था उसके parents के लिए, ये धीरे धीरे करके बदल जाता है. कैसे बदलता है? One day suddenly her mother fell ill and was hospitalized. एक दिन उसके mom बीमार हो जाते हैं, वो hospitalized हो जाते हैं. Her grandmother went along with her mother. उसके grandmother भी उसकी mom के साथ चले जाते हैं. सो कीजिया वॉज लेफ्ट अलोन इन दी हाउस, और कीजिया अकेली थी घर में विद नो वन अराउंड एक्सेप्ट द कुक. सिर्फ एक कुक थी जिसका नाम था एलिस, वो थी साथ में और कोई भी आसपास नहीं था. ड्यूरिंग द डे टाइम एवरीथिंग वेंट वेल, दिन में तो चल गया सारा, सब ठीक ठाक था. बट ड्यूरिंग नाइट टाइम, जैसी यू नो रात हुई, कीजिया फाउंड इट हार्ड टू स्लीप, कीजिया को सोने में मुश्किल होने लगी. ही हैड अ ड्रेडफुल नाइटमेयर, उसको बहुत डरावना एक सपना आ रहा है, ऑफ अ बचर होल्डिंग अ नाइफ एंड अ रोप, कि एक बचर है जो चाकू और रस्सी लेकर, हु कम क्लोजर स्माइलिंग रेचिडली एंड शी वॉज अनेबल टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस, वो उसकी तरफ आ रहा है और वो उस जगह से भाग नहीं पा रही है और वो उसको देख के स्माइल कर रहा है. तो ऐसा उसको ड्रेडफुल ड्रीम आ रहा था. दिस नाइटमेयर वोक हर अप, इस सपने से उसकी नींद खुली. And when she opened her eyes, she noticed that her father was standing right next to her. जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके डैड बिल्कुल उसके सामने खड़े थे. Soon Kezia's father took her to his bedroom. अब कीजिया के फादर उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं. And made her a cozy and comfortable place to sleep on his bed. अपने बेड पर उसको प्यार से सुलाते हैं. Besides, he also told her that she could rub her feet against his legs. फॉर सम वॉर्म्थ, उसको ये भी कहते हैं अगर उसको ठंड लग रही है तो वो उसकी मतलब उनके डैड की यू नो लेग से अपने आप को वार्म कर सकती है. लेटर शी फेल्ट वेरी सेफ, धीरे धीरे उसको थोड़ा सेफ फील होने लगा. एंड कम्फर्टेबल इन हर फादर्स कंपनी, और अपने डैड की कंपनी में यानी अपने डैड के साथ में उसको थोड़ा कम्फर्टेबल भी फील होने लगा. एंड दैट ही वॉज नॉट एज बैड एज शी हैड अज्यूम्ड हिम टू बी, और ये भी फील हुआ कि उसके डैड इतने बुरे नहीं थे जितना वो फील करती थी. शी कुड फील द फादरली लव दैट शी फेल्ट डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दिस. आज उसको ये महसूस हो रहा था कि
मुझे लाइक फादरली लव क्या होता है, उससे अपने लिए अपने डैड का अफेक्शन फील हो रहा था, इन सब चीज़ों से वो हमेशा डिप्राइव रही थी, वंचित रही थी। वाइल एंड अंडरस्टूड दैट हर फादर लव एंड केयर फॉर हर इन हर ओन वे, तो उसको लगा, उसे ये चीज़ महसूस हुई कि उसके डैड जो है ना वो अपने तरीके से प्यार करते हैं, अपने तरीके से केयर करते हैं। कीजिया रियलाइज्ड दैट हर फादर वॉज यूजली क्रैंकी, तो कीजिया को ये भी रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है मेरे डैड कभी कभी इरिटेट हो जाते होंगे, क्रैंकी हो जाते होंगे। एवरी डे फॉर द हार्ड वर्क, हर रोज़, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, ही डिड टू अर्न अ लिविंग फॉर हिज फैमिली, क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता है अर्निंग करने के लिए। एंड वॉज टू टायर्ड बाई इवनिंग, और शाम होते होते वो इतना थक जाते हैं टू कम एंड प्ले विद हर, कि वो उसके साथ खेल नहीं पाते हैं। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से, द लिटिल गर्ल ऑनर्ड लव्ड एंड केयर फॉर हर फादर एज मच एज शी लव्ड हर ग्रैंड मदर एंड मदर। उस दिन के बाद से वो जो छोटी बच्ची है वो अपने डैड को ऑनर करती है, लव करती है, केयर करती है अपने फादर को जितना ज़्यादा वो अपनी ग्रैंड मदर और मॉम के लिए फील करती है। सो ये एक स्टोरी थी जिसमें हमें ये समझ आता है कि जो पेरेंट्स और बच्चों का एक रिलेशनशिप होता है, इट शुड हैव दैट बॉन्ड, एक थोड़ा सा टाइम फैमिली को मिलना चाहिए ताकि एक दूसरे के लिए ना वॉर्म्थ फीलिंग रहे, अटैचमेंट रहे। सो दिस वॉज दी होल स्टोरी। आई होप यू लाइक द चैप्टर। आई विल कम बैक विद अ न्यू स्टोरी नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय।